मैं अरुण कुमार शाही, डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। सर, अभी मैं देख रहा हूं कि यहां काफी लोग रक्तदान कर रहे हैं, थैलेसीमिया अवार्ड है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कौन सा ये उत्सव है, क्यों ये शिविर लगा है, क्या इसका उद्देश्य है, आप अपने जरा परिचय के साथ बताएं। मैं डॉक्टर विमल कुमार चौधरी, चिकित्सा पदाधिकारी, थैलेसीमिया हेमोफिलिया डे केयर सेंटर, SKMCH मुजफ्फरपुर। आज जो है 14 मार्च जो है आज इस डे केयर सेंटर के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज ही के दिन एक वर्ष पूर्व इस सेंटर का उद्घाटन हुआ था, उसी की हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्षगांठ के उपलक्ष में आज हम लोगों ने एक रक्तदान शिविर रखा है, इसी के लिए लोग यहाँ डोनेट कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी जो रजिस्टर्ड मरीज है वो 74 मरीज हैं जो थैलेसीमिया के, जो रेगुलर यहाँ ब्लड चला रहे हैं, उनको ब्लड महीने में कम से कम 2 बार या 3 बार उनको ब्लड की आवश्यकता होती है। तो एक कैंप के द्वारा हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि और भी लोग जो हैं वो ब्लड दें। ब्लड देना बहुत ही ज़रूरी है मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य को जिस तरह से कंप्यूटर को हम बार बार रिफ्रेश करते रहते हैं, उसी तरह मनुष्य के उसके शरीर को भी रिफ्रेश करने के लिए 2-3 तरीके हैं, जिसमें एक ब्लड डोनेशन भी एक तरीका है कि आप ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका बॉडी जो है रिफ्रेश हो जाएगा। तो मैं समूह से ये उम्मीद करता हूँ कि जीवन में ज़रूर ब्लड डोनेट करें और थैलेसीमिया या ब्लड की जिन्हें ज़रूरत है उनको सहायता पहुँचे। यहाँ सर अभी कितने लोग थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं जिनको बराबर ब्लड की जरूरत पड़ रही है? 74 मरीज हैं। 74, अच्छा, तो उनके परिजन से बगैर ब्लड लिए दिया जाता है सर? नहीं, सरकार का नियम है कि उनके माता पिता से ब्लड नहीं लिया जाएगा। अच्छा, तो ये 1 साल हो गया इसका आज? हाँ, आज 1 साल हो गया आज। तो आज कितने लोग सर ब्लड डोनेट किए हैं, कहाँ के लोग किए हैं सर? ये आज इसमें ब्लड डोनेशन में हमारे जो एनोमो ब्रांच है SKM, उनका भारी योगदान रहा है। उन्हीं के द्वारा अभी तक 40 ब्लड डोनेशन हो चुका है और भी 20-30 की उम्मीद है अभी होगा। मैं कृष्णा मुरारी शर्मा और एनोमो बिहार के दायित्व से सचिव हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे डॉक्टर विमल सर के द्वारा आज ऐसा स्टेप उठाया गया, अच्छा स्टेप, कि थैलेसीमिया डे केयर सेंटर का जो 1 साल पहले हम लोग का इनॉग्रेशन हुआ था उसी के वर्षगांठ पे हम लोग ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किए हैं। तो हम लोग मिलके नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके हम लोग आज ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें अभी लगभग 40 डोनेशन हो चुके हैं। इसमें सारे डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर हैं, सर्जरी के डॉक्टर भरतेंदु सर, डॉक्टर शैलेंद्र सर, डॉक्टर साइकेट्रिक HOD डॉक्टर संजय सर और मेडिकल स्टूडेंट, MBBS स्टूडेंट बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। तो मैं हम सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग बढ़ चढ़ के योगदान ब्लड डोनेट करके दें, क्योंकि आपके ब्लड से बहुत सारे की सेवा होगी। बहुत सारे जो थैलेसीमिया वाले होते हैं उनको मिनिमम 2 यूनिट ब्लड चाहिए, 1 थैलेसीमिया पेशेंट को पर मंथ चाहिए। यदि आप नहीं दीजिएगा तो वो बच नहीं पाएंगे। यदि आप देते हैं, अपने खून दे के किसी का जान बचाते हैं, तो सबसे बड़ा वो आपका सेवा हुआ। तो हमेशा आप लोग ब्लड डोनेट करें, बहुत सारे फायदे हैं। आपका ब्लड प्रेशर आपका रेगुलेशन होगा, डायबिटीज़ का रेगुलेशन होगा, हार्ट का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो आपको कम होगा, आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा, आप स्ट्रेस बूस्टर की तरह, एक ब्लड डोनेशन एक स्ट्रेस बूस्टर की तरह होता है। हम जानते हैं कि हमारा RBC का जो लाइफ साइकिल होता है 120 दिन का होता है, तो उसमें उतना दिन में आपका वो रिसाइकिल होगा, बर्बाद होगा, तो आप डोनेट कर दीजिए, दूसरे की भलाई हो जाएगा। अभी तक हम 3 बार दे चुके हैं, 3 साल यहाँ हुआ है MBBS का मेरा, 3 बार दे चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको थोड़ा सा लगेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं है, जस्ट आप 2-3 घंटे में आप रिफ्रेश हो जाएगा। आप जूस पी लीजिए सर, कुछ नहीं होता उससे, कोई ऐसा नहीं होता, इतना ज़्यादा वीकनेस लगता है, माइंड रिफ्रेश रहता है, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये ऐसा काम है जो दिल को सुकून मिलता है। ये किसी के लिए आप एक होता है कि हम एक डॉक्टर हैं, ट्रीटमेंट करके किसी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन हम खून दे के भी किसी को बचा सकते हैं। अपनी जो हमारे शरीर का जो पार्ट सबसे बड़ा मूल्यवान पार्ट है खून, उसको देकर भी हम बचा रहे हैं, तो हम अपने समाज में बहुत बड़ा दे रहे हैं, लेसन दे रहे हैं। रक्तदान शिविर का आयोजन आप लोग हर समय जगह जगह पर कराते हैं, क्या है इसका उद्देश्य, जरा सा बताएं अपने परिचय के साथ। मैं अंजू परिचारिका श्रेणी ए SKMCH। मैं
आज 14 मार्च है, ये हम लोग के थैलेसीमिया डिपार्टमेंट में आज के दिन ही उद्घाटन हुआ था ये थैलेसीमिया डिपार्टमेंट का। यहाँ रक्तदान महादान ये जो होता है डोनेशन कैंप हम लोग लगाते हैं, जो डोनेट ब्लड होता है थैलेसीमिया पेशेंट को दिया जाता है। इससे किसी भी तरह का कोई हानि नहीं होती है, इससे शरीर जो होता है रिफ्रेश होता है और बहुत तरह की बीमारियों से भी बचा होता है। समाज में ये फैला हुआ है कि ब्लड दान करने से आदमी कमजोर हो जाता है, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। उससे किसी तरह का हानि नहीं, और जहाँ तक कि बहुत सारे बीमारियों से निजात मिलती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, आपका हार्ट प्रॉब्लम है, ये सबसे निजात मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि समाज में सबों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए और रक्तदान करके किसी के जीवन को बचाना चाहिए। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।